मीरा रोड के अंदर एक वाहिद ऐसी रेस्टोरेंट है जहाँ पे रेस्टोरेंट के अंदर आपको गजीबो मिलेगा, आपको ढाबे का फील मिलेगा। पॉजिटिव एनर्जी रहती है, इतनी खूबसूरत रहती है और मेंटली आप ये सुकून से रहते हैं कि यहाँ पे बिल ज्यादा नहीं होगा। पापलेट वो भी तंदूर के अंदर, तंदूर के अंदर चौप है, तंदूर रोस्टेड चौप। ये आपको सूप है, अरेबियन फूड। ये नल्ली बर्रा रोस्टेड, ब्लैक पेपर चाइनीज स्टार्टर है, ब्लैक पेपर। मीरा रोड वालों के तो क्या कहना, उनके तो मजे ही मजे है। अस्सलाम वालेकुम, जायकों की दुनिया में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं इस वक्त मीरा रोड में हूँ, एक ऐसी रेस्टोरेंट को एक्सप्लोर करने के लिए आया हूँ। यकीन जानो बहुत खूबसूरत है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे जो इंडियन फूड तो है ही है, मुगलाई तो है ही है, यहाँ पे इनके जो फोकस है अरबिक, तुर्किश, इस तरह के जो फूड जो है, जो आमतौर पे मीरा रोड के अंदर पाए नहीं जाते, आमतौर पे कोई मीरा रोड में जल्दी मिलते नहीं है, इनका फोकस उसके ऊपर है। होटल के अंदर दो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है, पहला तो खाना कैसा है, जायका, वो तो बुनियाद है, लेकिन खाना तो हम अभी चखेंगे ही चखेंगे। लेकिन यहाँ पे जिस तरीके के डाइनिंग का इंतजाम है, जिस तरीके का यहाँ पे सब इंतजाम है, बहुत खूबसूरत है। मीरा रोड वालों के तो क्या कहना, उनके तो मजे ही मजे है। तो चलिए आज जो है इसी रेस्टोरेंट के ताल्लुक से गुफ्तगू करते हैं, मगर हस्बे मामूल यहाँ पर आया कैसे जाता है वो देखते हैं। मैं जिस जगह पे अभी खड़ा हूँ, ये मीरा रोड का सरदार वल्लभ भाई पटेल रोड है। अगर आप मीरा भाईंदर वाले रोड से अगर आप काशी मीरा से आते हैं तो पिलर नंबर 191 से आप जैसे ही यहाँ पे आओगे तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल रोड है। मेरे लेफ्ट साइड में आप ये गार्डन देख रहे हो, इसका नाम है वर्धमान शिवर गार्डन, जो है बड़ा ही मशहूर लैंडमार्क है। जस्ट इस गार्डन के बिल्कुल सामने किस्तानिया फैमिली रेस्टोरेंट है। यहाँ पर एक बहुत ही मेन रोड के ऊपर है, मुनासिब पार्किंग है। और जैसे ही आप यहाँ पे अंदर आओगे तो आप देखोगे यहाँ पे वेटिंग का कितना तवील, कितना लंबा चौड़ा यहाँ पे इंतजाम है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊं, यहाँ पे ये डेजर्ट काउंटर है, और अगर आप यहाँ पे देखो तो ये जो है यहाँ पे देखिए जूस सेंटर है, जहाँ पे आपको आपकी जरूरत के जो भी आपको जूस पीना है, मशरूबात पीना है किसी तरीके का, तो वो तमाम चीजें यहाँ पे अवेलेबल है। अब हम जो है इसको एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पे डाइनिंग के तीन तरीके के इंतजाम है, चलिए पहले आपको अंदर लेके आके बताता हूँ। मीरा रोड के अंदर एक वाहिद ऐसी रेस्टोरेंट है जहाँ पे रेस्टोरेंट के अंदर आपको गजीबो मिलेगा, आपको ढाबे का फील मिलेगा। अभी देखिए मैं शूट के लिए आया हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो है एक बर्थडे पार्टी अभी थोड़ी देर में होने वाली है, ये उसका इंतजाम है। और ये इतना बड़ा गजीबो है, आप सोचिए कि आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो, ढाबे पे जाते हो, कितना कितना दूर जाते हो, ट्रैफिक मिलती है, टोल लगता है, आपका वक्त जाया होता है। लेकिन मीरा रोड और उसके अतराफ में रहने वालों के लिए ये कितना जबरदस्त ऑप्शन है कि वो चाहे तो इस गजीबो के अंदर, जिसका लुक जो है ढाबे की तरह आता है, यहाँ पे खाने के मजे ले सकते हैं, खाने का लुत्फ ले सकते हैं। तो ये हो गया इसका पहला पोर्शन। जैसे कि मैंने बता दिया कि यहाँ पे पार्टी वगैरह के लिए भी बुकिंग होती है। अब आइए आपको दूसरे दो यहाँ पे जो डाइनिंग का इंतजाम है वो मैं बताता हूँ। खूबसूरत सा पहला पोर्शन देखने के बाद ये यहाँ का दूसरा पोर्शन है, जहाँ पर दस्तरखान है। आप देखिए कितना खूबसूरत है, यहाँ पे चार दस्तरखान है और माशाल्लाह, मतलब ऐसा है कि आपके फैमिली के अगर ज्यादा फैमिली के लोग हैं तो वो भी यहाँ पे बैठ सकते हैं, यहाँ पे भी बैठ सकते हैं, और अगर और भी ज्यादा है तो ये पूरा भी आपको मिल सकता है। इतना जबरदस्त इंतजाम है, मैं नहीं समझता हूँ कि मीरा रोड की सरजमीन के ऊपर इससे बेहतर ऑप्शन आपको और कहीं मिलेगा। और आज के वीडियो का ये आखिरी पार्ट है जिसके अंदर हम जो जगह जो एक्सप्लोर कर रहे हैं, ये यहाँ का इनका एयर कंडीशन हॉल है, बड़ा ही खूबसूरत है, आइडियल है फैमिली के लिए। आप अपने परिवार के साथ, आप अपने बीवी बच्चों के साथ, आप अपने वालदेन के साथ, आप अपने घर के अहलो अयाल के साथ अगर आप यहाँ पर आते हो तो खाने का बहुत ही जबरदस्त जो है डाइनिंग का इंतजाम है, आप फुल इंजॉय कर सकते हो। तो दोस्तों अब जैसे ही खाना मुझे सर्व होता है मैं आपसे रूबरू होता हूँ। तो बहुत कम वक्त ऐसा होता है कि आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, इतनी पॉजिटिव एनर्जी रहती है, इतनी खूबसूरत रहती है, और मेंटली आप ये सुकून से रहते हैं कि यहाँ पे बिल ज्यादा नहीं होगा, तो चेहरे पे खुशी आना वाजबी है। तो चलिए अभी यहाँ पे खाना सर्व हो चुका है तो समझते हैं कि यहाँ पर क्या क्या हमें सर्व है। ये पापलेट तंदूर, पापलेट वो भी तंदूर के अंदर, तंदूर के अंदर। तो अपने पास जो है सी फूड वगैरह भी सब है, सी फूड वगैरह भी है,
छोटी वाली भी फिश मिलेगी आपको, बड़ी वाली भी मिलेगी, 1 kg वाली भी मिलेगी। उसके अंदर बहुत सारी वैरायटी है अपने पास अवेलेबल। ये ब्लैक पेपर चाइनीज स्टार्टर है। ब्लैक पेपर यानी काली मिरी। तो काली मिर्च जो हम कहते हैं, उसका जो तीखापन रहता है ना, वो हरी और लाल मिर्च से बिल्कुल अलग रहता है। बहुत जबरदस्त लगता है, मेरी वालदा को भी बहुत पसंद था। ये आपको सूप है, अरबियन फूड आपको नली रहता है, ये व्हाइट कलर में रहता है जी। ये चॉप है, तंदूर रोस्टेड चॉप। ओके, जबरदस्त। मतलब आपके पास वैरायटी बहुत जबरदस्त है, बहुत सारी मिलेगी। ये नल्ली बर्रा रोस्टेड। और ये सुरमई तंदूर। एक चीज मुझे इस यहाँ की एक बात अच्छी लग रही है, जो इन्होंने मेनू डिसाइड किया है, खाने के लुत्फ ले सकते हैं। मुंबई के अंदर एक से एक अच्छे अच्छे ऑप्शन है, तो उन अच्छे ऑप्शन के अंदर ये भी हो गया है। और मीरा रोड वालों की तो अभी कहूँ तो बल्ले बल्ले ही है। ये जो आपने ये जो तंदूर का दिया है, इसके अंदर और भी ऑप्शन है, अगर कोई तंदूर ना चाहे कुछ और चाहे तो। सुरमई तवा फ्राई भी मिलेगा, रोस्ट किया हुआ नहीं चाहिए तो फिर स्लाइस करके भी दे सकते हैं। उसके अंदर रेड वगैरह मिलेगा, ग्रीन में भी मिलेगा, व्हाइट मसाले में मिलेगा, नॉर्मल स्पाइसी। मतलब इतने ज्यादा आपके पास चीजें हैं। मतलब ये जी, ये चिकन किस्तान है स्पेशल, यहाँ की डिश है, स्पेशल है, मैंगोस के अंदर है। ओके जी। और सर ये मटके के अंदर, इसके अंदर है रॉयल मटका बिरयानी। अच्छा, तो इसके अंदर जो मिट्टी की जो खुशबू है वो आ जाती है इसके, वो आ जाएगी सर, एकदम दम वाला रहता है। वाह, क्या बात है सर, जबरदस्त सर। अच्छा सर, ये इतनी बड़ी थाल, ये क्या है? ये हमारी स्पेशल यहाँ की थाल है। हाँ? जो मीरा रोड के अंदर हम लोग लेके आए हैं, एकदम स्पेशल थाल है। इसके अंदर अरबियन रहेगा, प्लस इंडियन रहेगा, तंदूर का रोस्ट रहेगा, मेन कोर्स भी रहेगा। इसके अंदर रोटी वगैरह, नान वगैरह, राइस भी रहेगा, सब कुछ रहेगा इसके अंदर। एक थाल रहेगा, मिनिमम 4-5 जन आराम से बैठ के खा सकते हैं। इसके ये तमाम चीजों की जो रेट है ना, वो मैं आपको जानबूझ के नहीं बता रहा हूँ, हो रही है ना हैरत, उसकी वजह भी चलिए बता देता हूँ। ये जो रेस्टोरेंट है, ये ओनर्स खुद चलाते हैं, रेंटेड नहीं है। यहाँ का जो मेन शेफ है, ये बंदा खुद है, इसी ने खाना बनाया है। ये इनके घर की होटल है, और जब इनके ऊपर जब मार्जिन प्रेशर नहीं है, तो इसकी कीमत इतनी कम है कि आप अगर सुनोगे ना तो आप हैरत करोगे। आप अगर ये इन डिशों के बारे में अगर और जानना चाहते तो वीडियो खत्म होने पे मैं आपको बताता हूँ। ये लेबेश्री है, और ये मेरे ख्याल से ये बखलावा है। बखलावा आ गया। ये कुनाफा है। ओहो, ये गुलाब जामुन विद आइसक्रीम। ओहो हो, जग है अरबियन शैंपेन। चलिए दोस्तों, अभी आपको एक और एक सरप्राइज आइटम बताता हूँ, जिसके बारे में अभी जिक्र किया मैंने। पार्सल काउंटर पे मिलते हैं दोस्तों। जैसे कि मैंने आपको डाइनिंग के वक्त ये बताया मैंने कि यहाँ पर अगर आप आना चाहते हो, और आप यहाँ के किसी भी मेनू का 750 से जायद यहाँ पे डिशेस है, अगर आप किसी का भी रेट अगर जानना चाहते हो तो स्क्रीन पे आए हुए नंबर पे आप व्हाट्सअप कीजिए। आपको यहाँ का जो डिजिटल मेनू जो है वो आपको रिप्लाई के अंदर दे दिया जाएगा। आपको हर चीज की मालूमत फराहम कर दी जाएगी, चाहे वो मेनू के ताल्लुक से हो या किसी और चीज के ताल्लुक से हो। मीरा रोड और उसके अतराफ के अंदर 7 किलोमीटर तक किसी वजह से नहीं सकते हैं, और आप यहां से पार्सल मंगाना चाहते हो तो पार्सल भी ये लोग कर सकते हैं। एक नॉमिनल चार्ज के अंदर, बहुत ही रीजनेबल चार्ज के अंदर जो है वो आपको डिलीवरी मिल जाएगी। और इसके अलावा भी कुछ हो तो क्या कुछ समझना हो तो आप कॉन्टेक्ट नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं। अब मुझे दीजिए मीरा रोड की सरजमीन से इजाजत, बहुत जल्द नई जगह पर दोबारा आपसे रूबरू होगा। खुश रहिए, इंजॉय कीजिए।